ने भी आपको बताया, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की जेरे सदारत इजलास जारी है। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी भी शरीक हैं। इजलास से पहले सदर जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। सूबे के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MQM का वफ्द भी सदर से मिला, भरपूर तआवुन की यकीन दहानी करवाई। सदर जरदारी ने कहा, अमन अमान की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। काजी हसन से मालूमात हासिल करते हैं। काजी हसन, बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, अभी वज़ीर आला हाउस में इजलास जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत और इजलास से पहले, अमन अमान के इजलास से पहले जो है आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध के 1-to-1 मुलाकात भी हुई। और उस इजलास शुरू होने से पहले MQM के वफ़ ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उनको कराची और सिंध भर में जो अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से अपनी तशवीश का इजहार किया, जिसपे आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर को लेकर चलेंगे। इस इजलास में जो है वजीर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार के अलावा IG सिंध, DG रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शरीक हैं। और इजलास में कराची और सिंध भर में जो कच्चे में खराब सूरत हाल है और कराची में जो क्राइम की सूरत हाल के बारे में मुमकिन अहम फैसले भी किए जाने की तवक्को की जा रही है। ठीक है, अपने अपडेट के आपका बहुत शुक्रिया।